हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो आप साइट पर देख सकते हैं, जो पत्थर को हटाते हुए दैनिश जहन को दिखा रहा है, तो इस तरह का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको बताऊँगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको कुछ इस तरह के वीडियो एक शूट कर लेना है। वीडियो शूट करेंगे तो आप जो नीचे की तरफ जो कपड़े रखेंगे आपको एक कलर का होना चाहिए, ब्लैक रख लो, रेड ला लो, रेड कलर ले लो या फिर ब्लू कलर ले लो, किसी भी प्रकार का यदि कलर ले रहा है तो आपको एक कलर का होना चाहिए। आपको जब वीडियो शूट करेंगे तो एक बात को ध्यान रखना है, आप जो भी कलर आप नीचे रखेंगे वो कलर का आपका शॉर्ट या टी शर्ट आपको नहीं पहनना है। तो इस तरह के वीडियो एक शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक और काइन मास्टर अप्लीकेशन का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो शूट कर रखे है वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था, आप इससे भी बेहतरीन वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो आपको शूट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको करना क्या है, वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। मैंने नॉर्मल आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ वीडियो को आपको कैसे एडिट करना है, आप इससे बेहतरीन भी वीडियो शूट कर सकते हैं। सिंपल वीडियो को आपको देख सकते हैं, नीचे जो कपड़ा जो मैंने रखा हूँ ब्लैक कलर का रख रखा हूँ, तो आपको यहाँ पर किसी भी कलर का रख सकते हैं, ब्लैक हो, ग्रीन कलर यदि होता है तो आप काफ़ी बेहतरीन वीडियो को एडिट कर सकते हैं। सिंपल इसके बाद डन करते हैं, यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, हमारा जो वीडियो चाहिए वो वीडियो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। मैंने कुछ इस तरह से वीडियो को शूट किया था। तो आप वीडियो अगर इस तरह के वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, पत्थर कहीं पे जब अगर पार्क वर्क में जाते हो तो पत्थर होना चाहिए, पत्थर के नीचे आपको कपड़ा रख देना है और पत्थर को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है, जैसा कि साइड में वीडियो देख सकते हैं जो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट एस लेयर ले लेंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन के पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और इसे हमको फुल स्क्रीन कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। सिंपल इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम हटा रहे हैं, यहाँ से हम हटाने के सीन कर रहे थे, यहाँ से हमें आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखा हूँ, या फिर कोई किसी भी प्रकार का वीडियो आप लगा सकते हैं, जो भी मर्जी है आपका। मैं सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। सिंपल कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है, इसके बाद इसे डन करना है। डन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको हल्का छोटा कर कर सही तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। आपका वीडियो कुछ इस तरह से आ चुका है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। ठीक है भैया, ट्रिम टू राइट कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपने लेयर लिए थे वीडियो पे क्लिक करना है, क्रोमा की को सिर्फ आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको कलर कौन सा सेलेक्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। कलर जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, यदि आप यहाँ पे ग्रीन कलर का कपड़ा रखे होते तो आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना होता, तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर यूज किया हूँ तो ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो पर क्लिक करेंगे इस वाले पर, यदि आप ग्रीन कलर का कपड़ा यूज करते हैं तो आपको काफ़ी बेहतरीन से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ इस तरह से आपको हल्का छोटा कर देना है और जहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा है वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। यदि आप ग्रीन कलर आपको यूज करते हैं तो आप काफ़ी बेहतरीन आप वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ग्रीन कलर आप यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आपको क्रोमा की को मैंने प्रॉपर एडजस्ट कर देता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से सही से एडजस्ट आपको इनेबल करने के बाद सही से आपको कलर की पे आना है और यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और आपको सही से एडजस्ट आपको कर देना है अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जैसे हटाए कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यदि ग्रीन कलर होता तो आप काफ़ी बेहतरीन वीडियो बना सकते थे। तो इस तरह से आप इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है और हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उसी वीडियो को साउंड को आपको सेलेक्ट करना है।
इसके बाद कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। अब आपका वीडियो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, इसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।